नमस्कार हिमाचल, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। टेस्ट मैच से पहले बारिश के देवता इंद्रुना की शरण में जाएगा एचबीसीए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 1 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच में बारिश खलल न डाले, इसके लिए एचपीसीए इंद्रुनाग देवता की शरण में जाएगा। एचपीसीए फरवरी माह में खनियारा स्थित इंद्रुनाग मंदिर में विशेष हवन के बाद भंडारा भी लगाएगा। 15 फरवरी के बाद कभी भी इंद्रुनाग मंदिर में पूजा हो सकती है। वहीं पूर्व में वर्ष 2019 और 2020 में बारिश के चलते 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच धुल गए थे। हिमाचल एम्स के लिए नवजात गहन चिकित्सा इकाई मंजूर, 2 हफ्तों में शुरू होगी ऑपरेशन थिएटर सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर को केंद्र सरकार ने नवजात गहन चिकित्सा इकाई निकू शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। 1 सप्ताह में इसकी बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके लिए एम्स परिसर में ही जगह चिन्हित की जाएगी। अगले 2 हफ्तों में एम्स के गायनी विभाग में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी शुरू हो जाएगी, इसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। एम्स प्रबंधन ने बिलासपुर में नवजात गहन चिकित्सा इकाई शुरू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिली है। वहीं इस इकाई को स्थापित करने के लिए अलग से बजट मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा इंदौरा के मलोट में 18 जनवरी को जनसभा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 18 जनवरी को दोपहर बाद जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत मलोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में होगी। वहीं 18 जनवरी की सुबह पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित मानसर टोल बैरियर पर सुबह 7 बजे फ्लैग हैंडिंग सेरेमनी होगी। यहां से राहुल गांधी काठगढ़ मंदिर इंदौरा होकर करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर कर मलोट पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री मनसा राम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मनसा राम का आज करसोग में उनके पैतृक शमशान घाट इमला भीमला मोक्षधाम पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मंत्री के पार्थिव शरीर को उनके बेटों कृष्णराज, महेश राज और प्रदीप कुमार ने मुखाग्नि दी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मौके पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने भी करसोग पहुंचकर मनसा राम को श्रद्धांजलि दी। वहीं उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए करसोग के न्यारा कॉलोनी स्थित उनके निवास में रखा गया था। इस दौरान पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मनसा राम राज्य के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार के मंत्रिमंडल में करसोग से सबसे कम उम्र के मंत्री थे। प्रेमिका के लिए दी जान, यूपी के कामगार युवक ने शिमला में की आत्महत्या, लवर की शादी के बाद तनाव में था। राजधानी के छोटा शिमला थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक 23 वर्षीय युवक ने रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसकी पहचान रोहित पुत्र मुनेश्वर लाल तहसील गोपा मायू जिला हरदोई निवासी के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक प्रेमिका के विवाह के चलते उसने आत्महत्या की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कसुमपट्टी चौकी क्षेत्र में यह घटना पेश आई है। सरगीन के समीप खुला जुब्बर नामक स्थान पर एक बिजली का पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। रोहित पिछले 2 वर्षों से ठेकेदार के साथ प्लांट में काम करता था। वहीं देर रात युवक प्लांट के समीप फंदे से लटका पड़ा मिला। शीलाबाग में पिकअप जीप गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत, 2 घायल। सोलर नेरीपुर मार्ग पर शीलाबाग के समीप एक पिकअप के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल सोलन ले जाया गया। आज करीब 1 बजे पिकअप जीप HP 160228 शिलाबाग के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 4 व्यक्ति सवार थे। वहीं भूपेंद्र ठाकुर 27 वर्षीय उर्फ मीनू पुत्र तारा सिंह, आदर्श ठाकुर पुत्र मोहर सिंह ग्राम कलियोपाप डाकघर कोटला बांगी तहसील राजगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुरेश कुमार पुत्र रोशनलाल आयु 35 वर्षीय, जितेंद्र ठाकुर पुत्र तारा सिंह ग्राम कलियोपाप आयु 29 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। गैंगस्टर गोल्डी ब्राड का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह पैरी हिमाचल से गिरफ्तार। डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह पैरी को पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है।
आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम मोहाली लेकर आई है। आरोपी गैंगस्टर गोल्डी भराड़ का करीबी माना जाता है। उस पर पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में 12 हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। डीजीपी गौरव यादव ने आरोपी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। वहीं बताया जा रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी भराड़ का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में ठहरा था। यहां उसने एक होटल में 3 से 4 रातें बिताई हैं। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि आरोपी पैरी पंजाब समेत हरियाणा में हत्या व हत्या के प्रयास समेत करीब एक दर्जन आपराधिक वारदातों में शामिल है। प्रदेश सरकार को लौटानी होगी हाइड्रो कंपनी की 64 करोड़ रुपए की राशि। हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को सेली हाइड्रो कंपनी के 64 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। अप फ्रंट प्रीमियम के 64 करोड़ रुपए पर 7% ब्याज भी अदा करना होगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सेली हाइड्रो कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। वहीं लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर बनने वाली 320 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता कंपनी को 28 फरवरी 2009 को आवंटन पत्र जारी किया गया था। हमीरपुर के गांधी चौक पर स्थित गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 6 में स्थित एक दुकान के गोदाम में आज सुबह 5:15 के करीब आग लग गई। इससे गोदाम में रखी निजी स्कूलों की वर्दियां, स्कूल बैग, छाते और महिला एवं पुरुष सौंदर्य प्रसाधन सामग्री राख हो गई। वहीं आग से 10 लाख के करीब नुकसान होने का अनुमान है। बहुमंजिला गोदाम भवन की ऊपरी मंजिल में ठहरे किराएदारों को दमकल विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 13 IAS और 9 HPS बदले, 4 को अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। 13 IAS और 9 HPS अफसरों के तबादले किए गए हैं। वहीं 4 HPS अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से तबादला आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं IAS अफसरों में प्रियांशु मंडल को सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रदीप कुमार ठाकुर को SC OBC अल्पसंख्यक विभाग का निदेशक, अनुराग चंद्र को आयुक्त नगर निगम धर्मशाला, अमित कुमार को निदेशक कार्मिक वित्त और पावर कॉरपोरेशन लगाया गया है। वहीं HPAS अफसरों में घनश्याम चंद को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, वीरेंद्र शर्मा को सचिव राज्य खाद्य आयोग, डॉक्टर मेजर रिटायर विशाल शर्मा को अतिरिक्त निदेशक मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च, विवेक महाजन को कार्यकारी निदेशक HRDC, अनिल कुमार भारद्वाज को सहायक आयुक्त प्रोटोकॉल परवाणु, रामेश्वर दास को असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर अर्की सोलन, कृष्ण कुमार शर्मा को उपमंडलाधिकारी नागरिक जोगिंदर नगर, अपराजिता चंदेल को उपमंडलाधिकारी नागरिक नादौन, गुंजीत सिंह चीमा को उपमंडलाधिकारी नागरिक पाउंटा साहिब सिरमौर लगाया गया है। जनवरी में रिटायर होने वाले 60 NPS कर्मियों को फरवरी में मिलेगी पुरानी पेंशन। हिमाचल प्रदेश में जनवरी में विभिन्न सरकारी विभागों से रिटायर सेवानिवृत्त हो रहे करीब 60 न्यू पेंशन स्कीम NPS कर्मियों को 1 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी नई पेंशन के लिए नामित थे, लेकिन अब इन्हें पुरानी पेंशन ही मिलेगी। साल भर तक नई पेंशन स्कीम में नामित कर्मचारियों की संख्या 40 से 150 के बीच प्रतिमाह ही रहेगी। वहीं साल के अंत तक ये 1200 से 1500 के बीच रह सकती है, यानी अभी इतने ही नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी होगी। नई पेंशन स्कीम का लाभ मिलने के बाद अभी शुरू में कम कर्मचारी ही इसके दायरे में आएंगे। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।